हेलो फ्रेंड्स, हम लोग एक्सरसाइज 1.3 का थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय। इसका पहला पार्ट है 1/√2, दूसरा पार्ट है 7 × √5, तीसरा पार्ट है 6 + √2। तो हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन कर चुके हैं, फिर से एक बार नए सिरे से हम लोग इसको एक एक क्वेश्चन को लेंगे। 3 पार्ट है। मेथड जो होता है एक क्वेश्चन का जो होगा वही सारे पे लागू होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं, 1/√2। इसको सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग सिद्ध करने के लिए क्या करते हैं, जो दिया होता है उसका अपोजिट मान के चलते हैं और कुछ ऐसे निष्कर्ष पर पहुंचते हैं जो विरोधाभास होता है, जो मैथ को पूरे ध्वस्त कर देता है। तो फिर हम लोग क्या कहते हैं कि हम लोग जो मान के चले थे वही गलत है, तभी हम लोग गलत निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। तो जो मान के चले थे वो गलत है। स्टार्ट करते हैं, फिर देखिए हम लोग कि सिद्ध करना है कि 1/√2 अपरिमेय संख्या है। ये सिद्ध करना है। तो हम लोग क्या मानते हैं कि माना माना 1/√2 माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। जो सिद्ध करना है उसका अपोजिट हम लोग मान के चलते हैं। और परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या जो होती है जो p/q के रूप में लिखी जा सके, और p और q क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए, और q 0 नहीं हो सकता। पूर्णांक क्या होता है, -3 -2 -1, इधर आप कितने भी माइनस तक बढ़ते चले, -10 लाख, फिर 0 1 2 3 ऐसे डॉट, ये क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। 0 1 2 3 आप बढ़ते चले जाएंगे, -1 -2 -3। तो माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है हम लोग मान लेते हैं। तो अगर 1/√2 एक परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या की डिफिनेशन क्या कहती है कि उसको p/q के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, जहां p और q क्या है, पूर्णांक है। तो वन बाई रूट टू बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, ये p/q, जहां p और q क्या है, पूर्णांक है। p और q पूर्णांक है और हमने इस हिसाब से सेट कर दिया है, या इसको आप a और b ले लीजिए कि 1/√2 = a/b, जहां a और b क्या है, पूर्णांक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और a by b इस हिसाब से है कि हमने जो a और b के जो उभयनिष्ठ जो फैक्टर थे उनसे कैंसिल कर दिया है। जैसे आप देखिए 10/15 है, इसको अगर आप 5 से डिवाइड कर दें, 5 × 10 = 15, तो क्या आ गया, 2/3, यानी 10/15 लिखा हो और 2/3 बात एक ही है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें उभयनिष्ठ फैक्टर है
और इसको क्या कर दिया, कैंसिल करने के बाद अब इन दोनों में एक के अलावा और कोई संख्या ऐसी नहीं है जो दोनों को डिवाइड कर दे, तो ऐसी संख्याओं को क्या बोलते हैं, सहअभाज्य। तो यहाँ पे ए और बी पूर्णांक है, ए तथा बी में एक के अलावा और कोई, एक के अलावा और कोई घनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यहां तक हो गया 1/√2 = a/b। अब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इसको पक्षांतर इस हिसाब से करते हैं कि जो रूट के अंदर की संख्या हो अंडर रूट की वो एक साइड में हो जाए और सारी संख्याएं एक साइड में, कोई भी क्वेश्चन होगा। तो ये 1/√2 = a/b लिखा है, तो क्या करेंगे हम लोग, दोनों साइड रूट टू से अगर मल्टीप्लाई कर दें, दोनों साइड रूट टू से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या बन गया, रूट टू कैंसिल होके वन हो गया और ऐसे आप कर सकते हैं या फिर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके भी करते हैं तो वो भी बात एक ही होगा, ऐसे ही करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, इसमें स्टेप बढ़ जाएगा फालतू का। इसमें क्या होता है, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1/√2 = a/b, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए तो b(1) = a(√2) यहाँ से मिल गया हम लोगों को। फिर हमको रूट टू एक साइड में चाहिए, यानी इधर a फालतू है तो a को उस साइड में भेज देंगे, तो रूट टू एक साइड में हो जाएगा, रूट टू इक्वल टू क्या हो जाएगा, b/a। b क्या है, b और a क्या है, पूर्णांक। तो b और a पूर्णांक हैं, तो b/a क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। b/a क्या होगी, ये परिमेय संख्या होगी जो परिमेय संख्या होगी। तो b/a रूट टू किसके बराबर है, b/a के बराबर है, रूट टू b/a के बराबर, और b/a क्या है, परिमेय संख्या। तो रूट टू भी क्या होगा, रूट टू तो कुछ नहीं अपने आप में ना, रूट टू के बारे में कुछ नहीं पता, ये इसके इक्वल है तो ये जो होगा वही रूट टू को होना चाहिए, तो रूट टू भी परिमेय संख्या होगी। तो यहां से हम लोग क्या कंक्लूजन निकालते हैं कि रूट टू परिमेय संख्या होगी, रूट टू परिमेय संख्या होगी। लेकिन हमको पता है कि अंडर रूट के अंदर कोई भी अभाज्य संख्या होती है तो वो हमेशा अपरिमेय होती है, तो ये क्या हो गया, हमको क्या मिल गया, गलत निष्कर्ष पे हम लोग पहुंच गए, रूट टू अपरिमेय संख्या होगी या विरोधाभास है। या विरोधाभास है, या विरोधाभास है, या और कह लेते हैं रूट टू परिमेय संख्या होगी, इसको ऐसे लिख लेते हैं कि ये, या इस तथ्य के, ये इस तथ्य के विपरीत है कि रूट टू एक अपरिमेय संख्या है। रूट टू हम लोग कहां पहुंच गए कि रूट टू परिमेय संख्या है, लेकिन रूट टू क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग इस निष्कर्ष पे क्यों पहुंचे, क्योंकि जो हम लोग लेके चले थे कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, यही लेके चलना ही गलत था, अतः हमारा मानना कि 1/√2 परिमेय संख्या है
ये क्या है, इसको क्या बोल देंगे आप, रूट टू 1/√2 परिमेय संख्या है हमारा मानना गलत है। तो अगर हमारा ये मानना कि 1/√2 आप परिमेय संख्या है ये मान के चले थे, ये गलत है, तो परिमेय नहीं है तो 1/√2 क्या होगा, तो 1/√2 एक अपरिमेय संख्या होगी। एक अपरिमेय संख्या होगी। सिद्ध कीजिए कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन, जो सिद्ध करना है उसका विपरीत मान के चलेंगे। तो 1/√2 हम लोग क्या मान ले कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या है ये स्टेप हो गया। और परिमेय संख्या क्या होती है, हमेशा पी बाई क्यू के रूप की होती है, जहां पी और क्यू पूर्णांक होते हैं, तो उसके उभयनिष्ठ गुणनखंडों को कैंसिल करने पे हम लोग लिख दें कि 1/√2 क्या होगा, ए बाई बी, जहां ए और बी क्या है, पूर्णांक। अब क्या करेंगे, रूट टू को एक साइड करेंगे तो आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, तो बी इंटू 1 = √2 × a, तो यहां से रूट टू इधर ही रहने दीजिए, ए को इधर ले आएंगे तो बी बाई ए हो गया, यानी √2 = b/a। ए और बी पूर्णांक है तो बी बाई ए क्या होगा, पूर्णांक बटा पूर्णांक परिमेय संख्या। तो √2 क्या है अपने आप में, ये b बाई a के बराबर है, तो ये परिमेय संख्या है तो इसको भी परिमेय संख्या होनी चाहिए। यानी हम लोग कहाँ पहुंच गए कि √2 एक परिमेय संख्या है, लेकिन हमको पता है कि √2 क्या होता है, अपरिमेय संख्या होती है, अंडर रूट के अंदर कोई भी अभाज्य संख्या होती है तो वो अपरिमेय संख्या होती है। तो हम लोग क्या कहेंगे कि √2 परिमेय संख्या होगी, या इस तथ्य के विपरीत है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अतः हमारा मानना कि 1/√2 परिमेय संख्या है गलत है, 1/√2 एक अपरिमेय संख्या होगी। इसका सेकंड पार्ट है, √5, इसको सिद्ध करना है कि ए अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या है। इसका सोल्यूशन, तो सोल्यूशन क्या कहे, प्रूफ ही कहेंगे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर वही करेंगे कि जो सिद्ध करना है उसका विपरीत मान लेंगे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि माना √5 एक, माना √5 एक परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या क्या होती है, वो पी बाई क्यू के रूप की होती है। परिमेय संख्या क्या होती है, हमेशा पी बाई क्यू के रूप की होती है, पी और क्यू क्या होते हैं, पूर्णांक, और क्यू 0 नहीं होता। पूर्णांक क्या, जैसे −4 −3 −2 −1 0 1 2 3, इधर आप चले जाएंगे और 3 के बाद 4 5 तक बढ़ते चले जाएंगे, इनको क्या बोला जाता है, पूर्णांक। तो 7/5 अगर परिमेय संख्या है तो ये पी बाई क्यू के रूप की होगी, तो हम लोग इसको पी बाई क्यू नहीं कहते हैं, इसको क्या कह देते हैं, a/b। a/b, ए और बी यहां पे क्या है, पूर्णांक है, और बी 0 नहीं हो सकता, और ए तथा बी क्या है, ए तथा बी सहअभाज्य है। सहअभाज्य का मतलब कि पी वाई क्यू के जो उभयनिष्ठ गुणनखंड थे हमने कैंसिल कर दिया ऊपर नीचे से, तो अब जो
ए और जो बचे हैं ए और बी, अब ये किसी और संख्या से डिवाइड नहीं होंगे एक के अलावा, तो उसी को बोलते हैं समभाज्य। अब 7 × √5 हो गया आपका ए बाई बी। अब हमारा अगला स्टेप क्या रहेगा कि रूट वाले संख्या को एक साइड में कर लिया जाए और सारे को अलग, तो 7 × √5 = a/b है। अब हमको क्या करना है, रूट फाइव को एक साइड में रखना है, तो 7 इधर मल्टीप्लीकेशन में है तो उसका साइड चेंज कर देंगे, तो उधर क्या बचेगा केवल रूट फाइव बचेगा, और 7 इधर मल्टीप्लीकेशन में तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में चला जाएगा, तो a/3b। अब देखिए a और b पूर्णांक है, तो a और b पूर्णांक है तो 3b भी पूर्णांक होगा, a पूर्णांक है b पूर्णांक है तो 3b को पूर्णांक को पूर्णांक से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा पूर्णांक ही आएगा, तो इस हिसाब से a/3b क्या हो गया, ये परिमेय संख्या होगी, ये परिमेय संख्या है। और जो रूट फाइव है ये इसी के तो इक्वल है, रूट फाइव अपने आप में कुछ नहीं है, क्या इसके इक्वल है, तो ये क्या कहता है हमेशा परिमेय संख्या होगी, तो यहाँ से हम लोग क्या कंक्लूजन निकाले, यहाँ से कंक्लूजन हम लोगों का निकला है रूट फाइव ए परिमेय संख्या है, रूट फाइव ए परिमेय संख्या, हम लोग इस कंक्लूजन इस निष्कर्ष पे पहुंचे। तो आपको पता है कि ये गलत निष्कर्ष है क्योंकि अंडर रूट के अंदर कोई भी अभाज्य संख्या होती है तो अपरिमेय संख्या होती है, तो रूट फाइव एक परिमेय संख्या इस निष्कर्ष पे पहुंचे तो हम लोग क्या कहेंगे, यह विरोधाभास है, विरोधाभास है, या कहेंगे कि यह इस तथ्य के विपरीत है कि रूट फाइव एक अपरिमेय संख्या है, यह विरोधाभास है। अतः हमारा मानना, अतः हमारा मानना कि 7 × √5 एक परिमेय संख्या है, 7 × √5 एक परिमेय संख्या है, ये हमारा मानना ये गलत है, गलत है। तो अगर हमारा ये मानना गलत है कि 7 √5 एक परिमेय संख्या है तो सही क्या होगा, 7 × √5 क्या होगा, ये अपरिमेय संख्या होगी, अतः 7 × √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। फिर इसका थर्ड पार्ट हम लोग देख लेते हैं, थर्ड पार्ट है 6 + √2। क्या करना है कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसको हमको सिद्ध करना है, 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमको सिद्ध करना है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे, जो सिद्ध करना है उसका उल्टा लेके चलेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे प्रूफ में, माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या क्या होती है, जो p/q के रूप की होती है, परिमेय संख्या जो होती है वो हमेशा p/q के रूप की होती है, p q क्या रहते हैं पूर्णांक होने चाहिए, पूर्णांक और q 0 नहीं हो सकता, और पूर्णांक का मतलब आप समझते हैं -3 -2 -1 0 1 2
थ्री आगे बढ़ते हैं, जैसे चले 10,000, 10,000, 10,000, इधर -10 लाख, इधर पीछे कितने भी चले जाए, इधर आगे कितने भी चले जाए, ये सारे पूर्णांक रहते हैं। तो अगर 6+√2 एक प्रमेय संख्या है, तो 6+√2 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 6+√2 बराबर क्या हो जाएगा? a/b। और a और b क्या है? पूर्णांक है, ए भी पूर्णांक है और बी 0 के इक्वल नहीं है, और ए तथा बी अभाज्य है। अभाज्य का मतलब कि जो उभयनिष्ठ गुणनखंड थे इन दोनों के, उनको हमने कैंसिल कर लिया है। जैसे इस टाइप का अगर था कि जैसे 10/40, तो हमको क्या कर दिया, 10 × 10 = 40, 1/4 शॉर्टेस्ट कर दिया इसको, मतलब कि अब एक के अलावा किसी संख्या से ये नहीं डिवाइड हो रहा है। तो अगला स्टेप हम लोगों का क्या होता है, इसके बाद पक्षांतर करते हैं। पक्षांतर करने के लिए, पक्षांतर करते समय क्या देखते हैं, रूट के अंदर की चीज को एक साइड रखते हैं। तो 6 का साइड बदलेंगे तो इधर प्लस में है तो उधर जाएगा, तो उधर केवल √2 बचेगा। √2 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, ए √2 इक्वल टू a/b-6। और कोई भी संख्या हो, जैसे 6 है तो 6/1 को लिख ही सकते हैं ना, वही तो 6, 10 को आप 10/1 लिख सकते हैं। तो ये जो 6 है ये भी तो प्रमेय संख्या है ना, पूर्णांक बटा पूर्णांक। तो ये क्या हो गया, 6 को हमने क्या लिख दिया, 6/1। तो ये प्रमेय संख्या है और ये भी प्रमेय संख्या है, प्रमेय संख्या, और ये भी क्या है, ये भी परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या से परिमेय संख्या जोड़ते हैं या घटाते हैं, हमेशा तो वो परिमेय संख्या ही आती है, हमको पता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि परिमेय संख्या माइनस परिमेय संख्या, यानी परिमेय संख्या से परिमेय संख्या आप घटाओगे तो हमेशा क्या आएगा, वो परिमेय संख्या ही आएगा। आप इसको चेक कर सकते हैं, कितनी भी परिमेय संख्या ले लेके आप दो परिमेय संख्या लीजिए, दोनों को घटाइए, फिर घटाने के बाद देखिए वो भी क्या होगा, परिमेय संख्या ही होगा। तो यहाँ से हम लोगों का क्या कंक्लूजन आ गया कि ये परिमेय है, ये परिमेय है, तो परिमेय से परिमेय को घटाएंगे तो परिमेय संख्या आएगा, और √2 क्या है, अगर इसके इक्वल है इस पूरे के, तो ये पूरा एक परिमेय संख्या आती है। तो यहाँ से क्या निष्कर्ष आ गया कि √2 ए, ये निष्कर्ष आ गया कि √2 ए परिमेय संख्या है। हम लोग इस निष्कर्ष पे पहुंच गए कि √2 एक परिमेय संख्या है, जबकि क्या होता है, √2 क्या होता है, अपरिमेय संख्या होती है। यह इस तथ्य के विपरीत है का मतलब होता है कि जो फैक्ट होता है, जो एकदम सही होता है, उसको बोलते हैं तथ्य, फैक्ट जो होता है एक्चुअल। या इस तथ्य के विपरीत है कि √2 एक अपरिमेय संख्या होती है। तो हम लोग एक विपरीत लॉजिक पे कैसे पहुंच गए, क्यों पहुंच गए, क्योंकि हम लोग जो सपोज करते, जो मान के चले थे कि 6+√2 एक परिमेय संख्या है, वही हमारा मानना ही गलत था। अतः हमारा मानना गलत है। हम लोग क्या माने हैं कि 6+√2 एक परिमेय संख्या, अगर ये मानना गलत है तो सही क्या है, 6+√2 अगर परिमेय नहीं है तो वो अपरिमेय होगी, क्योंकि कोई भी रियल नंबर या तो परिमेय होता है या अपरिमेय। अगर वो परिमेय संख्या नहीं है तो अपरिमेय होगा, अगर अपरिमेय नहीं है तो परिमेय होगा। तो ये परिमेय संख्या नहीं है तो ये 6+√2 पूरा है। हाँ, यहाँ से यहाँ तो रहेगा √2 एक अपरिमेय संख्या है कि √2 एक अपरिमेय, अतः हमारा मानना गलत है, 6+√2
एक अपरिमेय संख्या होगी। सिक्स प्लस रूट टू एक अपरिमेय संख्या होगी। तो ये एक्सरसाइज खत्म हो गया, इसके आगे हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।